अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री एरिया में। आज मशीन लगाऊंगी और यहाँ ऑटोमेटिक मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, सर्फ वगैरह। चल रही है मशीन। इस मशीन का ये फ़ायदा है कि मशीन लगा लो, साथ 100 काम और बंदा कर सकता है। ये जगह इसकी बनी होती है, इसमें सर्फ ऐड कर दें और यहाँ पे कोई और नीलो वगैरह कोई चिली पाउडर ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो मशीन बंद कर दें और टाइमर सेट कर दें, आराम से बाकी काम करें तो तब तक कपड़े भी धुल जाते हैं। बहुत ही आसानी रहती है ऑटोमेटिक मशीन के साथ। मेरे पास मैनुअल मशीन भी है और ऑटो भी है। मैं कभी ऑटो में वॉश करती हूँ कपड़े और कभी मैनुअल में, डिपेंड करता है कपड़े किस किस्म के हैं। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ चॉकलेट मिंट फ्लेवर में। आज डार्क चॉकलेट खाने का मूड हो रहा था। चॉकलेट तो खैर मेरी सारी फेवरेट होती हैं, कोई भी हो, डार्क लेकिन कम कम इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों को कौन सी पसंद है, डार्क खाते हैं या दूसरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका मिंट फ्लेवर था, बहुत ही मज़े का रिफ्रेशिंग फ्लेवर आ रहा था। चॉकलेट मेरी तो कमज़ोरी है, अगर फ्रिज में पड़ी हो तो बस बार बार उठा के खाती रहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटी लेनी चाहिए, बंदा थोड़ी सी खा ले, बड़ी हो तो बार बार खाते रहते हैं। और यहाँ लंच का टाइम हो रहा है। आज लंच में मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ बिरयानी की तैयारी करेंगे। लहसुन और अदरक को मैंने पील कर लिया है और साथ ग्रीन चिलीज काट ली हैं। इसका पेस्ट बना लेंगे हमाम दस्ते में। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है। अभी मैं चिकन को मैरिनेट कर दूंगी। आज मैं डिफरेंट तरीके से बिरयानी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल दही का ले लिया है। दही को अच्छे से मैंने पहले फेंट लिया है। दही आई थिंक एक पाव के करीब होगी। और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट हमने जो बनाया था ग्रीन चिली का, वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। और आज मैं डब्बे वाली मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैं कभी बिरयानी मसाला घर का भी बना के डालती हूँ और कभी मार्केट वाला यूज़ कर लेते हैं। आज मैं डब्बे वाले मसाले से बिरयानी बना रही हूँ। यहाँ एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया है। दही में मिक्स कर लेंगे ठीक से। मैं हाफ़ के जी बिरयानी बना रही हूँ। हाफ़ के जी चिकन ऐड करूँगी और हाफ़ के जी राइस। यहाँ पे चिकन मैंने अच्छे से वॉश कर रखा हुआ था, अभी वो ऐड कर दूंगी। बिरयानी तो खैर सभी की फेवरेट होती है, शायद कोई हो जिसको बिरयानी ना पसंद हो। हमारे घर में बिरयानी ज़्यादातर बनती है, पुलाव हम लोग बहुत कम कम बनाते हैं। यहाँ चिकन को मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे के लिए। और यहाँ पर मसाला तैयार कर रही हूँ बिरयानी का। ऑयल मैंने लिया है हसबे ज़रूरत। इसमें स्लाइस में प्याज काटे हुए, वो ऐड कर दूंगी। प्याज मैंने 2 लिए थे बड़े साइज़ के। प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। और आप लोग बताएं बिरयानी किस किस की फेवरेट है, और आप लोग महीने में कितनी बार बिरयानी बनाते हैं। और यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो गए हैं और थोड़े से प्याज मैं निकाल लूँगी जो एंड पे दम लगाते वक्त यूज़ करेंगे।
और कुछ प्याज रहने देंगे मसाले के लिए। मैं बिरयानी हमेशा सेम तरीके से नहीं बनाती, कुछ लाजम डिफरेंट करती हूँ, इसलिए डिफरेंट टेस्ट भी आता है। प्याज आप जब निकालें, हाफ फ्राई हाफ प्याज निकालें तो उसको ना टिश्यू पे रखना चाहिए, थोड़े से ना कड़क हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने टिश्यू पे नहीं रखे थे और ऐसी प्लेट में डाल दिए थे, जब मैं दम लगाते वक्त डालने लगी थी तो वो सॉफ्ट ही थे, मुरकने नहीं हुए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है कि प्याज मज़ीद जल ना जाए। और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, 2 घंटे मैंने चिकन को रखा था फ्रिज में, और अभी वो ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। हम ज़्यादातर बिरयानी अपनी अम्मी के घर पे ही वीक में एक बार चक्कर लगता है तो वहीं जाके एंजॉय करते हैं, अपने घर पे कम ही बिरयानी मैं बनाती हूँ। उसी मसाले में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके वो भी डाल दिया चिकन में, कि इसी में गल जाएगा चिकन अच्छे से। और यहाँ पर टमाटोज लिए हैं मैंने, 2 बड़े साइज़ के टमाटोज। टमाटोज को मैंने छील लिया है, इस तरह स्लाइस में काट लिया है, तो अभी पूरी तह लगा देंगे टमाटर की। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा जब पक जाएगा मसाला। और यहाँ पर मैं कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए जी। तो लिड हमने हटा दिया और देखें चिकन तकरीबन हाफ कुक हो गया है। अभी इसमें मैं चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ, आप अपने हसबे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। एक बार इसको हिला लेंगे और फिर से कवर कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा लिक्विड है, पानी है, थोड़ा और पकने देंगे। 10 मिनट के लिए और कवर करूँगी जी। यहाँ पे मसाला तकरीबन रेडी होने के करीब है, बहुत ही यम्मी मज़ेदार बिरयानी बनी थी, आपने मस्त ट्राई करनी है, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चिकन को मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे, बिरयानी मसाला हमारा रेडी हो गया। हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे और पानी रखेंगे चावल बॉईल करने के लिए। या मैंने पानी रख दिया है चूल्हे पे, इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, दालचीनी ऐड की है मैंने। बादियान के फूल ऐड किए हैं, जो भी आपको इलायची वगैरह भी ऐड करनी हो तो कर सकते हैं। नमक ऐड कर दूंगी। ग्रीन चिली का ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, इस पानी में ऐड कर दे दो, फिर वही ग्रीन चिली बिरयानी में भी जाती है, तो अच्छा मज़े का लगता है फ्लेवर इसका। और यहाँ राइस ऐड कर दूंगी, राइस भी मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भगो के रखे हुए थे। हाफ के जी चिकन है और हाफ के जी राइस है।
यहाँ पर चावल गल गए थे। मैं चावल फुल कुक करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती कि एक करनी दो करनी, मुझे करनी शनी से समझ कोई नहीं आती, तो मैं फुल कुक करती हूँ। क्योंकि जिस दिन थोड़ा सा फ़र्क रख दें कि करनी रखनी आज, तो उस दिन चावल खाते हुए ऐसे महसूस हो रहा था जैसे चावल कच्चे हैं, तो मुझे तो इस तरह बिल्कुल नहीं पसंद। मैं फुल कुक करती हूँ तो तभी बिरयानी खाने का मज़ा आता है। और यहाँ पर हम दम दे देंगे। हाफ चिकन मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में, और हाफ चिकन पतीले में रहेगा, उसी के ऊपर ही मैं हाफ राइस ऐड करूँगी। तेल लगा देंगे बिरयानी की। कुछ घरों में लंच में राइस खाना लोग पसंद करते हैं, कुछ घरों में डिनर में खाए जाते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस टाइम में खाने चाहिए, कौन सा टाइम अच्छा होता है राइस खाने का। हमारे यहाँ ज़्यादातर डिनर में बनते हैं राइस जी। यहाँ मसाला नीचे हाफ रह गया है, और अभी हाफ चावल ऐड कर दूँगी जो बहुत ही अच्छे मैंने बॉईल कर लिए हैं, खिले खिले चावल हैं। अच्छा, मैं बिरयानी में दो कलर ऐड करती हूँ, येलो भी करती हूँ और ऑरेंज वाला भी करती हूँ। ये ऑरेंज कलर ऐड कर दूँगी पहली तह में, फिर से वही मसाला जो मैंने प्लेट में निकाला था वो ऐड करूँगी। और बाकी के चावल ऐड कर देंगे। आज वीडियो में बिरयानी देख के फिर से दिल कर रहा है कि आज फिर बिरयानी होनी चाहिए। बिरयानी तो ऐसी चीज़ है कि बस बंदा रोज़ ही खाता रहे तो अपने मज़ा होता है इसका। और यहाँ दूसरा कलर भी मैं ऐड कर दूँगी, मैं येलो भी ऐड करती हूँ ऑरेंज भी ऐड करती हूँ। थोड़ा सा दूध लेके उसमें ड्राई कलर में रखा होता है वो ऐड करती हूँ मिक्स करके, तो बहुत ही मज़े के कलर आ जाता है बिरयानी में ना, कलरफुल बिरयानी बनती है, दिखने में भी अच्छी लग रही होती है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ येलो कलर मैंने ऐड कर दिया है, और जो प्याज मैंने रखी थी वो ऐड कर दूँगी। प्याज मेरी इस बार कड़क नहीं हुई, सॉफ्ट ही है, बस ऐसे ही ऐड कर दी है। लेकिन आपको बता रही हूँ कि आप लोग टिश्यू में निकालें तो थोड़ी कड़क अच्छी लगती है। बस खैर, मिस्टेक भी इंसान से ही होती है। और यहाँ एग भी मैं ऐड कर रही हूँ। तीन मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे, एक अंडे के तीन तीन पीसेस मैंने किए हैं, और अभी एक तय अंडों की लगा दूँगी। मुझे बिरयानी में अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा दिल करता है कि मतलब अंडे भी ऐड करूँ, खाते वक्त बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और मेरे बेटे के अंडे फेवरेट है, तो उसको भी बड़ी बिरयानी पसंद आई थी माशाल्लाह। ऐसे राइस माशाल्लाह से शौक से खा लेता है। यहाँ तय लग चुकी है, अभी हम दम दे देंगे। क्योंकि सब चीज़ें कुक है तो दम को ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, दम हम 15 मिनट के लिए देंगे। कोई 12 बर्तन ऊपर रखना चाहिए कि दम अच्छा लग जाता है जी। दम हो चुका है बड़े ज़बरदस्त खुशबुओं के साथ। दम खुल गया, अभी चावल मिक्स कर लूँगी। मैं पूरे मिक्स नहीं करती, कुछ वाइट होने चाहिए खाते वक्त पता चले कि बिरयानी खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की डिलीशियस बिरयानी बनी थी। और यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ बिरयानी को, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बिरयानी को देखकर। अगर मुंह में पानी आ रहा है तो आज फिर बिरयानी इंजॉय करें आप लोग भी, और मेरी रेसिपी फॉलो ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए करें और शेयर कर दिए करें मेरी वीडियोज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके बताया करें कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। दिन छोटे हैं, टाइम ही नहीं होता, बाकी भी काम होते हैं और वीडियो डेली की अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है, नहीं टाइम होता इतना। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी नाश्ता करना है, सुबह का टाइम है। मैंने सोचा आज सबसे पहले वीडियो को बनाऊँगी, उसके बाद हम लोग कोई और काम करेंगे, क्योंकि कोई और काम करने जब लग जाते हैं तो फिर वीडियो रह जाती है। इसलिए जी आप मज़े का लंच रेडी हो गया है, बिरयानी, अभी हम खाना खाएंगे। और ये रात का टाइम है, बेबी इंजॉय कर रहा था अपने न्यू टॉय। और ये रात के 1 होने वाला है और मेरा इतना दिल कर रहा था मीठा खाने का, तो मुझे समझ में आई कि कुछ सिंपल सा बनाऊं जो जल्दी जल्दी बन जाए, तो मैंने दम वाली सेवइयां बना ली। इसमें कुछ नट्स वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, बस मेरा दिल कर रहा था जल्दी से मीठा बनाऊं और इन्जॉय करूं, तो यहाँ पर मीठा इन्जॉय कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।